ओ नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे ना। तो आज मैं आपके लिए फिर से लेके आ गया हूँ एक और प्रोज क्राफ्ट की वीडियो। चला जा बहुत म्यूजिक। तो आज मैं प्रोज क्राफ्ट खेल रहा हूँ डुओ में। तो जो मेरे साथ दूसरा बंदा खेल रहा है उसका नाम मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जिसका नाम था एक्साइटेड, कुछ ऐसा नाम था, मुझे पूरा याद तो नहीं। तो आज हम करेंगे माइन, तो आज हम चलेंगे माइन पे उसके साथ। तो ये प्रोज क्राफ्ट की सीरीज़ अब शुरू हो गई है, तो ये उसकी दूसरी वीडियो है। पहले तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था वैसे, पर तब भी वो पहली वीडियो मानी गई। तो हम चलेंगे माइन पे, तो हम आ चुके हैं माइन पे। मैंने स्किप कर दी वीडियो। तो ये है दूसरा बंदा जो मेरे साथ खेल रहा है, मतलब मेरा टीममेट समझ लो। तो यहाँ पे हमें डायमंड मिल चुका है, जो कि इसने फाइंड किया है डायमंड। तो पहले इसको बंद करते हैं, और ये देखो ये डायमंड निकाल रहा है, मैं भी इसकी कुछ हेल्प कर दूं। तो चलो इसे ही निकालने देते हैं। यहाँ पे लावा है भाई, तो ओ शिट, एक डायमंड शायद वेस्ट हो गया। चलो जाने दो, कोई ना, ये भी वेस्ट हो गया शायद, पता नहीं शायद, या फिर इसकी इन्वेंट्री में आ गया हो। ये नहीं हुआ वेस्ट शायद, तो इसे भी निकाल लेता हूँ मैं। और ये तो नहीं निकलेगा, यहाँ पे लगाना पड़ेगा ब्लॉक। तो ये देखो ये निकल चुके हैं, हमें यहाँ पे थोड़े से डायमंड मिले। और आगे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा माइन किया था, और आगे मुझे यहाँ पे दिखा लावा। तो भाई समझ लो, जहाँ पे लावा है मतलब वहाँ पे आपको डायमंड मिलेंगे ही मिलेंगे। और ये देखो यहाँ पे मैं माइन करता हूँ, शायद यहाँ पे हमें डायमंड मिल जाए, क्योंकि लावा के आसपास डायमंड मिलते हैं। और ये देखो हमें डायमंड मिल चुके हैं। तो भाई ऐसा होता है ना कि हमेशा 12 पे ही डायमंड नहीं मिलते, कई बार नीचे भी होते हैं। तो आपको 11 पे माइन करना चाहिए हमेशा। तो इससे दो फायदे होते हैं, एक आप 10 कोऑर्डिनेट का भी देख सकते हैं, और 12 का भी। इसलिए मैं हमेशा 10 या 11 पे ही माइन करता हूँ, 12 पे मैं माइन नहीं करता हूँ। तो ये देखो भाई यहाँ पे ग्रेवल है थोड़ा, तो यहाँ पे थोड़ा आगे माइन करके देख लेता हूँ, शायद कुछ मिल जाए। तो मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि आप बोर ना हो। तो भाई यहाँ पे मुझे मिल चुके हैं डायमंड, ये देखो। तो बड़ी देर के बाद हमें डायमंड मिले और ज़्यादा। तो ये देखो यहाँ पे मैं माइन करता हूँ, तो यहाँ पे हमें मिल जाएंगे। और देखो मैं अभी 11 पे हूँ, तो 11 पे भी डायमंड मिलते हैं। अगर सोचो अगर इस समय मैं 12 पे होता तो ये डायमंड मुझे नहीं मिलते। तो इसलिए बोलता हूँ कि 11 पे माइन करना चाहिए। और यहाँ पे मैं पहले बंद कर लेता हूँ, मैं गिरना नहीं चाहता। तो मैं अपने टीममेट को बोल रहा हूँ कि आजा मेरे पास, मुझे डायमंड मिल गए हैं। तो शायद अब ये चैट कर रहा है, हाँ। तो इसको मैंने बता दिया है, तो आ गया है। तो चलो मैं यहाँ पे चलता हूँ, और यहाँ पे मुझे फिर से डायमंड मिल चुके हैं, ये जो आप देख रहे हैं तीसरी बार मुझे डायमंड मिले। और ये भाई ये क्या करने लगा भाई, इधर आ। मेरे टीममेट को पहले भी डायमंड मिले थे, पर भाई वो लावा में गिर गए। तो अभी तक हमारा एक आर्मर बन जाता, पर वो गिर गए लावा में। तो चलो और डायमंड मिले। तो भाई ये क्या कर रहा है भाई, ये तो नूब वाले काम हुए। क्योंकि सोचो अगर नीचे लावा होता तो ये सीधा नीचे और सारे डायमंड जाते। यहाँ पे मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, क्योंकि ये भाई बहुत बोरिंग काम होता है माइन करना। तो भाई यहाँ पे हमें मिल गया आगे लावा, तो यहाँ पे डायमंड मिलने के चांस और बढ़ गए थे। तो यहाँ पे मैं सोच रहा था कि पहले मैं एक चेस्ट बना लूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे फिर से डायमंड गिरे। तो पहले भी मेरे टीममेट के काफ़ी सारे डायमंड लावा में गिर गए थे भाई, भाई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए मैंने एक चेस्ट बना लिया है यहाँ पे। और इसमें मैं रख दूंगा अपने डायमंड, ताकि भाई अगर मतलब लावा मुझ में छुए भी तो मतलब मैं मरूँ तो मेरे डायमंड वेस्ट ना हो।
तो चेस्ट में मैं इसको बोल देता हूँ भाई रख इसमें। तो मैंने इसे बोल दिया इसमें रखने के लिए, ये रख देगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता भाई अगर गलती से भी हो जाता है ना, कई बार कहीं गलती से भी अगर हम लावा में गिर गए तो सारे डायमंड जाएंगे। तो ये देखो इसने रख दिया है, 13 प्लस 9 है शायद कि 7 है। तो भाई यहाँ पे लावा है तो यहाँ पे चल, तो भाई मुझे मिल चुकी है एक केव और यहाँ पे भी हमें डायमंड मिल सकते हैं, पर ढूंढने पड़ेंगे और काफ़ी टाइम लगता है पहले यहाँ पे। तो देखो भाई जो लावा होती है ना उसके साथ हमेशा डायमंड मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, ये मैं हमेशा 90% चांसेस होते हैं कि आपको मतलब मिलेंगे ही लावा के साथ डायमंड, पर हर लावा के साथ नहीं। जैसे यहाँ पे मिल गए तो दूसरी साइड नहीं मिलेंगे क्योंकि काफ़ी दूर दूर होते हैं, इतने ज़्यादा नज़दीक नहीं होते डायमंड। तो ये देखो यहाँ पे मैं माइन करके देखता हूँ, ज़्यादातर लावा के आसपास ही मिलते हैं। तो यहाँ पे माइन करता हूँ मैं, पहले यहाँ पे भाई एक रास्ता बिल्ड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आगे भी है रास्ता, चलूँ क्या? आराम से जाना पड़ेगा भाई, मैं गिरना नहीं चाहता। तो यहाँ से ये लगाता हूँ और यहाँ पे भी, तो मेरा टीममेट भी आ रहा है पीछे से, तो ये कर देगा इसको। तब तक मैं कहीं और देखूँगा, शायद मुझे डायमंड मिल जाए। और तो हमें अभी सबसे पहले बनाना है डायमंड से एनचेंटमेंट टेबल, फिर बाकी के काम करने हैं भाई, जैसे कि आर्मर बनाना या स्वॉर्ड बनाना। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे आयरन है तो आयरन निकाल लूँगा पहले। पहले यहाँ पे ब्लॉक लगाने पड़ेंगे भाई, सारे आयरन वरना गया। तो ये निकालता हूँ मैं आयरन, और ये अगला ब्लॉक भी बस निकल गया, तो इसे ले लेता हूँ भाई। आ जा, चलो आ गया। तो हमने दोनों ने यहाँ पे थोड़ा सा माइन किया, शायद यहाँ पे हमें डायमंड मिल जाए, पर अभी तक तो नहीं मिले। तो मेरा टीममेट भी आगे थोड़ा सा माइन कर रहा है, तो ये देखो यहाँ पे मैं नीचे भी माइन करता हूँ, शायद नीचे डायमंड मिल जाए। तो यहाँ पे अरे भाई लावा का ये सोर्स खुल गया, इसे बंद करता हूँ पहले। हाँ हो गया, तो चलो यहाँ पे पहले मैं ये लगा लेता हूँ, तो ये लग गया। तो यहाँ पे तो मुझे अभी तक कोई डायमंड नहीं मिले हैं, तो मुझे लगता है अब हमें घर जाना चाहिए। और अब घर पहले मुझे ऑब्सीडियन चाहिए, तो मैं अपने टीममेट को बोल देता हूँ कि वो ऑब्सीडियन निकाल दे, क्योंकि ऑब्सीडियन अब हमें चाहिए उसके लिए एनचेनमेंट टेबल के लिए। 4 ऑब्सीडियन लगेंगे, एक बुक और एक ही बुक लगती है पता नहीं, शायद डायमंड भी लगेंगे, तो डायमंड तो है हमारे पास। तो यहाँ से मैं पानी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं ऑब्सीडियन बना सकूँ। तो वैसे मैंने टीममेट को बोल दिया है ऑब्सीडियन निकालने को, पर यहाँ से मुझे वाटर चाहिए ऑब्सीडियन बनाने के लिए। तो ये आ जा, यहाँ से आ सकता है वैसे। हाँ आया आया, यहाँ से आया था, तो आ गया भाई। तो अब चलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे डालना है बस एक ही बकेट लगेगी, अब बस ये हो जाएगा। ये देखो जैसे ही आप डाल लेना पानी तुरंत ले लेना होता है। तो चलो यहाँ से और वापस आ गया। चलो अब यहाँ पे अंधेरा हो गया भाई, तो यहाँ पे मैं पहले टॉर्च लगा लेता हूँ। तो ये लगाई मैंने टॉर्च, तो यहाँ पे अब मैंने अपने टीममेट को बोला कि चलो अब घर चलते हैं। तो यहाँ से मैं अपने डायमंड ले लिए और चल रहा हूँ अब घर। और मैंने टीममेट को बोल दिया है कि ऑब्सीडियन निकाल देना, तो मैं टीममेट से पहले ऑब्सीडियन ले लेता हूँ। तो भाई मैंने टीममेट से ऑब्सीडियन ले लिया है, तो अब मुझे जाना है अपने घर। तो भाई घर का रास्ता कहाँ गया, मैं भूल गया, शायद यहाँ से था। हाँ ये रहा भाई, ये रहा घर का रास्ता, तो चलो चलते हैं। तो मैंने अपने टीममेट से ले लिया है ऑब्सीडियन, तो अब जाना है घर। और ये भी मेरे पीछे पीछे आ रहा है, तो चलो अब चलते हैं घर सीधा। तो मैं आ चुका हूँ अपने घर पे और मेरा टीममेट ऑफलाइन हो चुका है, तो यहाँ पे मैं चलूँगा अब। तो मुझे बनाना है पहले एनचेनमेंट टेबल, तो यहाँ पे मैंने अभी थोड़ी डेकोरेशन की है, तो पहले मैं एनचेनमेंट टेबल बना लेता हूँ। तो ये देखो एनचेनमेंट टेबल, अरे भाई मेरे पास तो बुक ही नहीं है, तो लगता है मुझे बुक का इंतज़ाम करने जाना पड़ेगा।
अरे ये किसने लगाया भाई यहाँ पे, पहले इसे हटा लेता हूँ। तो मैं बुक का इंतजाम कर लेता हूँ पहले जल्दी से। तो भाई मैंने बुक का इंतजाम कर लिया है और अब चलते हैं हम बनाने अपना एनचेंटमेंट टेबल। तो चलो बनाते हैं अपना एनचेंटमेंट टेबल। तो चलो बनाते हैं एनचेंटमेंट, पर मेरे पास जगह नहीं है एनचेंटमेंट टेबल के लिए, तो वो तो मैं जल्दी बना दूंगा, शायद एक अलग रूम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं बनाता हूँ एक एनचेंटमेंट टेबल। तो ये बन गया हमारा एनचेंटमेंट टेबल, एक बुक लगती है इसके लिए, और ये बन चुका है हमारा एनचेंटमेंट टेबल। तो यहाँ पे मैं इसे लगा सकता हूँ, पर यहाँ पे नहीं लगेगा भाई, क्योंकि बुक्स भी तो आएगी। तो लगता है इसके लिए एक अलग रूम बनाना ही पड़ेगा। चलो वो तो मैं बना दूंगा बाद में। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही प्रोज क्राफ्ट की वीडियो देखते रहिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।